और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ईडी ने उन्हें बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया। ईडी ने कहा कि हस्ताक्षर न करने पर अंजाम भुगतना होगा। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें बयान पर हस्ताक्षर से पहले उनके वकील से भी बात करने की अनुमति नहीं दी गई है। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी ईशान वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी ईशान, और क्या जानकारी है? देखिए, कल महबूबा मुफ्ती को जब ईडी ने बुलाया था क्वेश्चनिंग के लिए, पहले दिल्ली बुलाया गया था, उन्होंने पहले भी अपने काउंसिल के थ्रू ये बताया था कि उनको केस के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है, कि वो विटनेस हैं या एक्यूज्ड हैं। कल जब उनको वहां पे लाया गया, उनका ट्वीट शाम को सामने आया। हालांकि उन्होंने मीडिया से जब बात करी निकलने के समय पर, उस टाइम उन्होंने उसका कोई भी जिक्र नहीं किया, लेकिन जब शाम होते ही ये था कि जो उनके हस्ताक्षर लिए गए थे कागज पे, उन्होंने उन पर साइन नहीं करने की अपील गुजारिश की थी और अपने वकील से बात करने की कोशिश की थी, बट उनको एक कानूनी प्रावधान के अनुसार उस कागज पे साइन करना जरूरी बताया गया था। तो उसके चलते ही उन्होंने ये कहा है कि वहां पे इन कैमरा रिकॉर्डिंग जो सीसीटीवी लगे थे उस रूम में, उस पे ये साफ तौर पर दिखेगा कि वो उस हस्ताक्षर नहीं कर रही थी उन कागजात पे जो भी इनके बयान लिया गया था। देखिए, उनसे वो उनको एक कानूनी प्रावधान बताकर उस पे साइन करा लिया गया था। अब ये देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती आगे जाकर इस पर क्या कहेंगी। हालांकि उनकी एक क्वेश्चनिंग हो गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में। ये केस उनके घर, जो उनके वालिद थे, उनके फादर थे, जिनका मुफ्ती मोहम्मद सईद जब उनका देहांत हुआ था, तब उनको उनकी जो ग्रेवयार्ड है उसको मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है, और जो फंड्स चीफ मिनिस्टर के पास आते थे उनको यूज करने के लिए वो केस ईडी ने दायर किया है। जी जी ईशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।